अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ से उनका सिंबल, उनका प्राइड, उनका निशान, उनकी पहचान बल्ला छीन लिया गया। अब तो इमरान खान की सियासत खत्म समझो, अब तो जगह जगह भुट्टो निकलेगा या मियां मियां के नारे बजेंगे। याद है ना वो बिना कानूनी हैसियत वाला साइफर केस, जिसपे मुसल्ला शुदा हुकूमत को बहुत नाज था कि इसके बाद भी इमरान खान की सियासत खत्म हो गई, इमरान खान का सियासी करियर खत्म हो गया। आज वो केस सुप्रीम कोर्ट ने उठा के रद्दी की उस टोकरी में डाला है जहां पे आप अवाम ने इनकी सियासत को पहले ही डाला हुआ है। इमरान खान को इन्होंने जेल में डाला, लोगों के घर बर्बाद किए, मुल्क तबाही के दाने पर खड़ा कर दिया, उस पर भी इनका दिल नहीं भरा, तो बदहवास होकर अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेने के चक्करों में है। लेकिन याद रखें, उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट होने हैं, 13 जनवरी। और जिस तरह यह साइफर केस रद्दी में पड़ा हुआ है, वही उसी तरह 13 जनवरी से पहले इस मुतासिब इलेक्शन कमीशन का फैसला भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रद्दी के टोकरों में उन दो चीजों के बराबर में पड़ा होगा और बल्ले के निशान पर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। ये सारी कोशिशें जो है वो अवाम में मायूसी फैलाने की एक मजमूम साजिश है, लेकिन आपने मायूस नहीं होना। आपने 8 फरवरी के इलेक्शन की तैयारी रखनी है, आपने अपना फोकस इलेक्शन की तरफ रखना है। हमारे लीडर पहले ही इनसे दो हाथ आगे होते हैं, इनसे पहले का सोचते हैं, वो हर मुश्किल हर परेशानी के लिए प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी सब तैयार रखते हैं। इनके हम पीटीआई का कारकुन हो या लीडर हो या वॉलंटियर, सब हर वक्त हर हालात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आप लोगों ने अपना मकसद और अपने मिशन पर से निगाह नहीं हटानी, आपने फोकस से नहीं हटना। अगली मंजिल हकीकी आजादी, पाकिस्तान जिंदाबाद।